घरेलू सार्फिन की ओवर बिलिंग FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना फहद, आगाह कीजिएगा रिपोर्ट से मुतालिक। आज बिल्कुल, प्रोरेटा बिलिंग मैकेनिज्म के जरिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से बैच 1 से लेकर बैच 6 तक घरेलू सार्फिन के बिलों में जो है वो जायद यूनिट शामिल किए थे, और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है सिर्फ लेस्को की अगर बात की जाए तो 49,720 जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकले, और ओवरऑल 10 जो है वो डिस्कोज में जो है वो 3,26,000 जो है वो घरेलू सार्फिन जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकले। और इस मामले पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया, और FIA नेप्रा समेत दीगर इदारों को जो है वो तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन करने की जो है वो सख्ती से हिदायत की गई थी। FIA इजराए का ये कहना है कि FIA नेप्रा की जानिब से और दीगर तहकीकती इदारों की जानिब से इस मामले पर जो है वो तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, और रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो है वो भिजवा दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो जिम्मेदारान हैं वो पावर डिवीजन के हुकाम करार दिए गए हैं। इजराए का कहना है कि इस हवाले से पावर डिवीजन की जानिब से बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रोरेटा जो है वो बिलिंग मैकेनिज्म नाफिजुल अमल करने की हिदायत जारी की गई थी, और जब ये सिस्टम जो है वो नाफिज हुआ तो फिर तमाम सार्फिन को जो है वो एक माह के तनासुब के हिसाब से जो है वो बिलिंग हुई, और इससे जो है वो सिर्फ लेस्को के 49,720 से जायद जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फिन थे वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिए गए, और इसके साथ साथ जो दीगर घरेलू सार्फिन थे उनके स्लैब्स जो हैं वो तब्दील किए गए, यानी कि जिनके जो 200 की स्लैब में थे उनके जो है वो बिलिंग ज़्यादा। राना फहद, आप हमें आगाह कर रहे थे।